हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। जिसके जरिए दोस्तों जानते हैं हम, अगर दोस्तों हमारे को कार्टून वीडियो दोस्तों बनाने होते, आप दोस्तों यूट्यूब पे ये देखिए, यहाँ पर स्लाइड शो कर रहा है। दोस्तों आप कोई भी कार्टून देखते हो दोस्तों यूट्यूब पर, तो दोस्तों आपको एक दोस्तों आपका भी जागता है कि मैं भी कुछ कार्टून बनाऊँ दोस्तों, इस वीडियो को मैं भी बनाऊँ और मैं भी पेस्ट करके अच्छी खासी अर्निंग करूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में बनाने का पूरी शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ दोस्तों। इस वीडियो में अगर आपने पूरा देख लिया दोस्तों, तो आपको कार्टून वीडियो बनाना पूरी तरीके से आ जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मेरे पास दो मोबाइल या दो हैंडसेट ना होने के कारण दोस्तों मैं सिर्फ अपना इमेज का सिंबल देने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहेगा, पूरी दोस्तों जानकारी दूंगा। चलते दोस्तों मोबाइल के होम स्क्रीन की ओर। चैनल पर तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं कैसे कंटेंट की बात कर रहा हूँ और उस कंटेंट पे आपको व्यूज कितने मिलेंगे, पहले मैं आपको वो दिखाऊंगा। तो दोस्तों उसके लिए दोस्तों मैं आ जाता हूँ अपने YouTube के एप्लीकेशन में, ठीक है। जस्ट यहाँ पे YouTube के एप्लीकेशन में आने के बाद जस्ट यहाँ पे मैं सर्च करूंगा सर्च बॉक्स में कार्टून वीडियो, ठीक है। यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ कार्टून वीडियो। यहाँ पे देखिए दोस्तों मैं कार्टून वीडियो यहाँ पे मैंने सर्च कर दिया। जस्ट यहाँ पे देखिए सर्च करने पे कई सारे कार्टून वीडियो, मतलब कार्टून तो कई तरीके से कार्टून होते हैं, जैसे टॉम एंड जेरी कार्टून हुआ, मोटू पतलू कार्टून हुआ, तो मतलब कई तरीके से कार्टून वीडियो होता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक स्टोरी तरीके कार्टून बनाना सिखाऊंगा। जस्ट मैं अभी आपको प्रूफ दिखाऊं, यहाँ पे देखिए दोस्तों कई सारे यहाँ पे टॉम एंड जेरी वाला कार्टून आ गया। जस्ट यहाँ पे देखिए दोस्तों कई सारे कार्टून आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको जैसे कार्टून की बात कर रहा हूँ वैसे अभी कार्टून के बारे में बताऊंगा, और शायद आपको भी जानकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा कि भाई ऐसे कार्टून आप अपने मोबाइल से भी क्रिएट कर पाएंगे। और वैसे कॉन्टेंट पर दोस्तों आप लोग वर्क करेंगे तो आपको बहुत जल्दी यहाँ पे देखिए दोस्तों चैनल यहाँ पे मिल चुका है। यहाँ पे देखिए दोस्तों लालची समोसे वाला, अब मैं इस वीडियो को प्ले करके आपको सुना रहा हूँ भाई इसमें कैसे कैसे मतलब कैसे कैसे यहाँ पे इसमें इस चैनल पे भाई वर्क करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों जस्ट यहाँ पे मैं इस एड को यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, अभी इस वीडियो को आप लोग देखिए, ठीक है। मैं इसके यहाँ पे देखिए ठीक है, देखिए दोस्तों ये जो चैनल है यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब ये जो वीडियो यहाँ पे देख रहे हैं ना, इसी वीडियो की तरह मैं आपको वीडियो बनाना सिखाऊंगा, और बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। अभी जैसे मैं इन भाई के चैनल पे आ रहा हूँ, यहाँ पे देखिए दोस्तों 219 वीडियो में यहाँ पे 578,000 सब्सक्राइबर, ठीक है। यहाँ पे मैं इनके वीडियोज में आता हूँ, वीडियोज पे देखिए दोस्तों यहाँ पे एक दिन पहले अपलोड किए थे, चार दिन पहले भी अपलोड किए थे। यहाँ पे देखिए दोस्तों बहुत जबरदस्त व्यूज आता है, यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर मैं वीडियो आपको दिखाता हूँ, 11 मिलियन व्यूज, ठीक है। यहाँ पे फिर 6 मिलियन, फिर यहाँ पे 5 मिलियन। और इस चैनल को दोस्तों बनाए कब है, यहाँ पे देखिए 2022 में, मतलब 2022 यहाँ पे 5 मार्च 2022 को इसने चैनल बनाया है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जस्ट एक साल के अंदर भाई ने यहाँ पे अपने चैनल पर यहाँ पे 578,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए, साथ साथ इनका चैनल बहुत ज़्यादा ग्रोथ में है। अब मैं दोस्तों इस चैनल की अर्निंग आपको दिखाऊंगा, तब आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, एक मोटिवेशन की आग रहेगी कि भाई मैं ऐसे चैनल बनाकर अच्छे खासे अर्निंग कर सकता हूँ। तो जस्ट दोस्तों इसका अर्निंग दिखाने के लिए दोस्तों मैं आता हूँ अपने गूगल के एप्लीकेशन में। गूगल में आने के बाद दोस्तों जस्ट मैं उस वेबसाइट को सर्च कर ले रहा हूँ। सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं इसमें आ जा रहा हूँ। जस्ट यहाँ पे उस चैनल का लिंक डाल के उस चैनल की पूरी हिस्ट्री मैं आपको दिखाऊंगा कि इस ये चैनल कब का, मतलब ओपन तो आप लोग जान ही गए हैं, मतलब एक अपने इंडिया में कब से रैंक पे सब कुछ यहाँ पे दिखा देगा। जस्ट यहाँ पे मैं सर्च यहाँ पे कर रहा हूँ। जस्ट यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे सर्च करने के बाद ये चैनल का हिस्ट्री पूरा का पूरा ओपन हो चुका है। अब देखिए दोस्तों इस चैनल की मंथली अर्निंग, यहाँ पे देखिए दोस्तों एस्टिमेटेड मंथली अर्निंग $4,400 से लेकर $71,200। जस्ट मैं $4,400 के इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा कितना लाख रुपए यहाँ पे हो रहा है। अब भाई मैं तो ये नहीं कहूँगा भाई कि आप इतना ही लाख रुपए कमाएंगे, जो शुरुआती में अगर आप 25,000-30,000 रुपये कमाएंगे तभी भी दोस्तों मेरे लिए बहुत प्राउड की बात होगी कि मैं आपको एक ऐसे चैनल के बारे में बताया हूँ जिससे आप दोस्तों आराम से घर पर थोड़ा बड़ा वर्क करके आप 25,000-30,000 रुपये कमा लेंगे। लेकिन 25,000-30,000 रुपये सीमित तो नहीं रहेंगे, ये आगे जाके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्या है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों ये अपने सब्सक्राइबर रैंक देखिए दोस्तों, इसका कंट्री रैंक सब कुछ दिखा रहा है। तो मुझे बस अर्निंग से मतलब था, आपको भी अर्निंग से मतलब हुआ कि भाई अर्निंग कितना कर सकते हैं, तो आप लोगों ने देख लिया कितना लाख रुपए भाई अर्निंग कर रहे हैं। तो अब इसको क्रिएट करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, जस्ट मैं आपको अब आपको ये बताऊंगा कि भाई ऐसे इसको आप क्रिएट कैसे करेंगे, ठीक है। तो जस्ट दोस्तों आपको उसके लिए दोस्तों आप आना पड़ेगा अपने प्ले स्टोर के एप्लीकेशन में, आपको एक एप्लीकेशन जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जस्ट यहाँ प्ले स्टोर में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे सर्च बॉक्स में आपको सर्च करना है क्रोमा टोन्स, ठीक है। यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए दोस्तों क्रोमा टोन्स, यहाँ पे दोस्तों जैसे आप सर्च करेंगे यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने आपका समय बचाने के लिए इसको ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है, तो आपको भी इसको इंस्टॉल कर लेना होगा। जस्ट इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आप जस्ट इसको ओपन कर लेना होगा। ओपन करने के बाद दोस्तों इसका हर एक एडिटिंग आपको प्रॉपर तरीके से सिखाऊंगा। बहुत सारे लोग इसको बताए हैं, ठीक है, और पैसे देकर बताए हैं,
तो यार उसमें आपको एडिटिंग अच्छे तरीके से नहीं सिखाया, लेकिन मैं क्या करूँगा आपको पूरा पूरा एडिटिंग सिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जस्ट आपको लेट्स स्टार्टेड पे क्लिक करना है, जस्ट यहाँ पे देखिए दोस्तों ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे करेक्टर आ गया, ठीक है, यहाँ पे करेक्टर आ गया। और पीछे अगर आप जिस भी बैकग्राउंड पे वर्क करना चाहते हैं, जैसे आपको यहाँ पे भूतिया बैकग्राउंड चाहिए, तो वो सब बैकग्राउंड आपको कहाँ से लेना है वो सब भी आपको सिखाऊंगा। जस्ट यहाँ से भी बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल बैकग्राउंड का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो जस्ट मैं आपको मल्टीपल बैकग्राउंड का भी ऑप्शन बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कई सारे करेक्टर हैं, इस करेक्टर को मैं जहाँ मन जहाँ चाहूँ वहाँ पे यहाँ पे लेके जा सकता हूँ, लेकिन क्या करना है मुझे दो लोगों में वर्क करवाना है, तो मैं यहाँ पे दो लोगों को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये चुड़ैल है, मैं इसको चुड़ैल को हटाने के लिए जस्ट यहाँ पे देखिए दोस्तों एक ऑप्शन दिया है, उसी वाले ऑप्शन पर टैप करना, जो लड़का इस प्रकार से किया हुआ है उसी वाले ऑप्शन पर सिंपली टैप करना है। तो पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो फोर्थ करेक्टर यहाँ पे जो लिखा हुआ है चुड़ैल, उसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। हटाने के लिए दोस्तों जैसे यहाँ पे चुड़ैल पे टैप करना है, फिर यहाँ पे नन पे करना है। जैसे दोस्तों आप नन पे करेंगे तो यहाँ पे हट जाएगा। तो दोस्तों जैसे यहाँ से देखिए दोस्तों चुड़ैल तो हट गई। अब ये दोस्तों जो लेडी है, मैं उस लड़की को हटाने के लिए दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों लेडी लिखा हुआ है, सेकेंड करेक्टर में देखिए दोस्तों लेडी फोर लिखा हुआ है, जस्ट यहाँ पे टैप करना है, फिर यहाँ पे इसको भी नन कर देना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ फिर ओके कर देना है। अब ये यहाँ पे लेडी और वो हट गई, मतलब दोनों हट गए हैं। तो अब मुझे एक कार्ट, मतलब आपको पहले पहले आपको एक स्क्रिप्ट लिखना होगा, बेहतर तरीके से स्क्रिप्ट लिखना होगा जिसपे आप लोग वीडियो बना सके, ठीक है। अगर आपको स्क्रिप्ट नहीं लिखने आता तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे अब चैट जीपीटी भी आ गया है, उसमें भी आप स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बेहतर स्क्रिप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपके घर में अगर छोटे छोटे बच्चे होंगे, ठीक है, उनका जो फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास थर्ड क्लास का जो बुक होता है उसमें दोस्तों बहुत जबरदस्त कार्टून होता है। अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे नहीं है तो मार्केट में जाकर आप ले लीजिएगा, उसमें पढ़ लीजिएगा भाई। और आपको पढ़ने के बाद उसमें जो अच्छे अच्छे अगर कहानी रहेंगी, मतलब अच्छे से उसमें कविता वगैरह रहेंगी, उसको आप ले लीजिएगा, उसको लेकर आप घर आइएगा, बस उसी पे आपको वर्क कर देना है। उसमें दोस्तों कई सारे करेक्टर रहेंगे और यहाँ पे दोस्तों मल्टीपल करेक्टर ले सकते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे ये लड़का ना, अभी मैं यहाँ पे अगर आपको अगर यहाँ पे इस लड़के को यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे कितने सारे करेक्टर हैं। यहाँ पे मैं करेक्टर पे टैप कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए दोस्तों आप यहाँ पे पहले क्या इंडियन वाइफ बना सकते हैं, इंडियन वाइफ टू बना सकते हैं, मतलब कई सारे। फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे कई सारे यहाँ पे सासूमा बना सकते हैं, यहाँ पे सासूमा बनाने के लिए सासूमा पे टैप करेंगे, देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों ये सासूमा बन गए। मतलब दोस्तों आपको जो भी बनाना है, चाहे वो लड़की बनाना हो लड़का बनाना हो, आपको जिस भी करेक्टर को लेना होगा वो यहाँ से आप सभी करेक्टर को ले सकते हैं। लेकिन मेरा तो सिर्फ यहाँ पे मेरा काम है यहाँ पे टाइप करना है, मुझे तो सिर्फ यहाँ पे लड़के से काम करवाना है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे बॉय को ले ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे बॉय आ चुका है, तो अब दोस्तों आपको करना क्या होगा, जैसे यहाँ पे ये जो पुलिस वाला अंकल है, ठीक है, अब इस पर इसको मान लीजिए मुझे उधर टकाना है, जैसे अभी इधर टक रहा है मुझे उधर टकाने के लिए दोस्तों जस्ट फिर यहाँ पे ये जो प्लस का आइकन दिख रहा है प्लस वाले आइकन पे सिंपली स्टेप करना है। फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे मूव करने के लिए सिक्स मतलब छह ऑप्शन दिया है, मतलब एक ही साथ आप बैठा सकते हैं, उठा सकते हैं, उसको फोन पे बात करवा सकते हैं, मतलब एक ही साथ आप कई सारे काम करवा सकते हैं। लेकिन जस्ट मुझे क्या करवाना है, इसको यहाँ पे पहले मैं यहाँ पे देखिए दोस्तों कोई सारे फ्लिप का ऑप्शन दिया है, जस्ट मैं फ्लिप वाले ऑप्शन पर टैप करूँगा तो ये उधर टकने लग गया। अब बच्चा भी सामने टक रहा है, बच्चा को थोड़ा दूर कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब आपको करना क्या होगा, जस्ट यहाँ पे देखिए दोस्तों जस्ट पहले आप मान लीजिए पुलिस वाले को तो मैं बात कर रहा हूँ, जैसे आपको आपको एग्जांपल के दोस्तों मैं एक स्क्रिप्ट बता रहा हूँ, जस्ट एक पुलिस वाला बात करेगा, ठीक है। मैं एक स्क्रिप्ट बता रहा हूँ, मतलब ये एक आपको एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, ये पुलिस वाला बात करेगा, फिर लड़का के आगे उससे कुछ बोलेगा, पापा मुझे काम है, ठीक है, इस प्रकार से कुछ बोलेगा। लेकिन जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप एक प्रॉपर तरीके से स्क्रिप्ट लिख के उस पर वर्क कीजिएगा, तभी आपको अच्छे खासे व्यूज मिलेंगे। जस्ट दोस्तों यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे सिंपली टैप करना है, फिर यहाँ पे इस पर टैप करना है, जस्ट यहाँ पे देखिए दोस्तों कई सारे इसको मतलब इसको गुस्सा देना है तो यहाँ पे एंग्री पे टैप करेंगे, अटैकिंग करवाना तो अटैकिंग पे टैप करेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, यहाँ पे अगर इसको दौड़ाना है, अगर टहलाना है, इसको अगर यहाँ पे कुछ भी करवाना है, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिए हैं, तो मुझे इसको फ़ोन कॉल पे बात करवाना है, ठीक है। यहाँ पे फ़ोन कॉल जो ऑप्शन दिया है यहाँ पे, इसमें दोस्तों कई सारे ऑप्शन दिया है, तो मैं यहाँ पे फ़ोन कॉल वाला जो ऑप्शन होगा मैं उसी को सेलेक्ट कर लूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों फ़ोन कॉल, अब देखिए दोस्तों ये फ़ोन कॉल पर बात कर रहे हैं, ठीक है, जस्ट फ़ोन कॉल पर बात कर रहे हैं। अब इनसे अब लड़का इनके पास आया तो मुझे लड़के को क्या करवाना है, इसको रन करवाना है। तो रन करवाने के लिए दोस्तों यहाँ पे जस्ट यहाँ पे प्लस वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली टैप करना है, फिर यहाँ पे टैप करना है, फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों इसमें देखना है कहाँ पे रन का ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए दोस्तों रन, यहाँ पे रन का ऑप्शन है, फिर ओके करना। देखिए दोस्तों ये लड़का चल रहा है, लेकिन चल के क्या करना है, इसके पास लाना है मुझे। तो अब देखिए दोस्तों ऊपर जो रिकॉर्ड का ऑप्शन दिया है, उस रिकॉर्ड वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली टैप करना होगा। जस्ट देखिए दोस्तों अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे एक रिकॉर्डिंग तो चल रही है, तो इसमें रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा, मतलब अगर मैं रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करूँगा तो कट जाएगा, लेकिन मैं आपको एग्जांपल के बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको रिकॉर्ड पे टैप करना है, जैसे रिकॉर्ड पे टैप करेंगे तो ये सभी के सभी इसकी रिकॉर्डिंग होने लगा। फिर आपको इस लड़के को जो यहाँ पे मूव का ऑप्शन दिया है मूव का, उसी पे टैप करके इस तरीके से लाना है, ये सब रिकॉर्डिंग हो रहा है इस समय,
ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों रिकॉर्डिंग हो रहा है। अब देखिए दोस्तों जैसे यहाँ पे इसके सामने लड़का खड़ा हो गया, अब खड़ा होने के बाद दोस्तों क्या करना है, फिर आपको इसके प्लस वाले ऑप्शन पे टैप करना है। अब लड़के को कुछ बोलने वाला लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर लड़का मान लीजिए बोल रहा है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों लड़का का यहाँ पर बोलने वाला लगाना है। तो यहाँ पर लड़का का यहाँ पे मैं बोलने वाला लगा रहा हूँ। तो जस्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं इसका सेलेक्ट कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे ओके कर दे रहा हूँ। ओके करने के बाद अब देखिए दोस्तों ये लड़का इससे बोल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों लड़का इससे बोल रहा है, तो अब क्या करेगा, इसका जो पिताश्री है, ठीक है, फिर ये रिकॉर्डिंग, फिर आपको जैसे एक क्लिप आपको रिकॉर्ड करना है, फिर आपको रिकॉर्डिंग पे टैप करना है। अब ये बोलने वाला रिकॉर्ड कर लिया, अब फिर दोस्तों फिर आपको रिकॉर्डिंग फिर यहाँ पे कट कर देना है। फिर आपको ये जो इसका पिता है, अब ये पिता इसको कुछ डांटेगा, मान लीजिए गुस्सा कर रहा है ना कि भाई ये कॉल पे बात कर रहा है, इसको सामने मतलब ये बोल रहा है, तो जस्ट इसको डांटेगा। तो फिर आपको इसके पिता वाले ऑप्शन पे टैप करना है, ठीक है। यहाँ पे जो प्लस का ऑप्शन दिया, जो मतलब ये पुलिस वाला था, उसके प्लस वाले ऑप्शन पे टैप करना है। यहाँ पे कॉल की जगह एंग्री कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों ये गुस्सा कर रहा है, ठीक है, ये पूरा का पूरा गुस्सा है कि क्या बोल रहे हो तुम, मतलब मैं कॉल पे बात करूँ इस प्रकार से। अब ये सब आपको रिकॉर्डिंग कर लेना है। अब देखिए दोस्तों आपको यहाँ तक तो पूरे अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा, जैसे इस प्रकार से करेक्टर चूज करना है। यहाँ से आप रिकॉर्डिंग पे टैप करेंगे तो आपका जो वीडियो है वो रिकॉर्ड होगा, ठीक है, इस प्रकार से आपका लिए। अब हम इसके एडिटिंग की तरफ आते हैं, आपको एडिटिंग समझाते हैं। और फर्स्ट आपको एक और बात मैं बता रहा हूँ, अब देखिए दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि भाई आप बैकग्राउंड कैसे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे पीछे भी झोपड़ पट्टी आ रहा है, लेकिन बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन दे रहा है, इस पर आपको सिंपली से टैप कर लेना होगा। टैप करने के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों बैकग्राउंड का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है, यहाँ बैकग्राउंड वन का ऑप्शन दे रहा है। जैसे इस पर टैप करें, यहाँ पे कई सारे बैकग्राउंड आएंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको पांच बैकग्राउंड का ऑप्शन देगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों एक बैकग्राउंड ये हो गया, अब एक बैकग्राउंड ये हो गया, जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों बैकग्राउंड चेंज हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे टैप करना, मैं एक और बैकग्राउंड दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों पांच बैकग्राउंड का ऑप्शन दिया, मैंने पांच बैकग्राउंड यहाँ पे टैप कर दिया, ठीक है। अभी सर मान लीजिए दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पे जो पांच बैकग्राउंड का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे अगर इसमें आपको कोई बैकग्राउंड नहीं पसंद आ रहा है, तो जस्ट यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे इंपोर्ट बैकग्राउंड पे आप यहाँ पे टैप करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट पे टैप करेंगे तो ये आपकी गैलरी में भेज देगा, ठीक है। यहाँ पे गैलरी में आपके जो जो भी यहाँ पे बैकग्राउंड सब डाउनलोड किए रहेंगे वहाँ से ले लेंगे। तो बैकग्राउंड से यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे दोस्तों, आपको कुछ भी नहीं कर रहा है, जस्ट यहाँ पे प्ले स्टोर में आ जाना होगा, ठीक है। प्ले स्टोर में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे लिख देता दोस्तों इमेज डाउनलोडर, ठीक है, मैं यहाँ पे आपके सामने लिख दे रहा हूँ इमेज डाउनलोडर। जस्ट इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना होगा दोस्तों, मैंने आपका समय बचाने के लिए इस एप्लीकेशन को ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। तो जस्ट यहाँ पे ओपन कर लेना होगा। ओपन करने के बाद देखिए दोस्तों क्या करना होगा, जस्ट यहाँ पे कई सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे आपको, लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों सर्च बॉक्स में आपको सर्च करना होगा कार्टून, ठीक है, कार्टून बैकग्राउंड आपको सर्च करना होगा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों जिस प्रकार से आपके यहाँ पे देखिए दोस्तों जिस प्रकार से आपके स्क्रिप्ट में लिखा रहेगा, उस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे कई सारे बैकग्राउंड आएंगे, मल्टीपल बैकग्राउंड है, आपको जिस भी बैकग्राउंड पे वर्क करना है आप ले सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, मान लीजिए मुझे इस बैकग्राउंड पर मुझे काम करवाना है, तो इस बैकग्राउंड पर टैप करना होगा। टैप करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन बना हुआ, जैसे इस पर टैप करना होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों डाउनलोड कंप्लीट, यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे ये यहाँ पे गैलरी में आपके आ चुका है। तो दोस्तों अब ये इमेज मेरे गैलरी में आ चुका है, जस्ट मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ अपनी गैलरी में आ करके। यहाँ पे देखिए दोस्तों मैं अपनी गैलरी में आ चुका हूँ। देखिए दोस्तों गैलरी में आने के बाद यहाँ पे पिक्चर का ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए दोस्तों इस इमेज को मैंने अभी अभी डाउनलोड किया है, ये इमेज मेरे गैलरी में आ चुका है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जहाँ से आप कार्टून जो एप्लीकेशन था वहाँ जो इंपोर्ट का ऑप्शन दिया, तो वहाँ से इंपोर्ट करके इस यहाँ से इसको ले करके आप अच्छे खासे वहाँ पे बैकग्राउंड ले सकते हैं। तो यहाँ तक दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी एडिटिंग की तरफ, और आपको एडिटिंग सिखाते हैं कि भाई आप कैसे उसको एडिट करेंगे। तो एडिट करने के लिए दोस्तों मैं यूज करता हूँ पावर डायरेक्टर, आप जिस भी एप्लीकेशन का यूज करते हो उसको ले लीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं भाई चैनल आइडियाज के बारे में, तो आप इसी एप्लीकेशन को लीजिएगा और मैं आपको यहाँ से प्रॉपर एडिटिंग सिखा दूंगा। जस्ट आपको यहाँ पे टैप करना होगा। टैप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन देगा, न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे टैप करना होगा। फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको एक 16:9 का ऑप्शन दिया रहेगा, 16:9 पे टैप करना होगा। यहाँ पे यूट्यूब का लोगो बना हुआ है, क्योंकि ये यूट्यूब का ही ये मतलब यूट्यूब का वीडियो का ही यहाँ पे उसका साइज है, ठीक है। तो जस्ट इसी पे टैप करना होगा। टैप करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे सभी वीडियोस यहाँ पे आ जाएंगे। अब देखिए दोस्तों जस्ट यहाँ पे वीडियोस वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्रोमा टूल्स यहाँ पे उस मतलब एप्लीकेशन के नाम से यहाँ पे फाइल बन गई है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने चार स्क्रीन रिकॉर्ड आपके सामने कर करके बताया था, उस चारों स्क्रीनशॉट को लेकर यहाँ पे देखिए दोस्तों मैं चारों स्क्रीनशॉट को ले रहा हूँ। अब जैसे जैसे दोस्तों मेरी स्क्रिप्टिंग लिखी थी, मैं उस प्रकार से यहाँ पे वर्क करूंगा और उसमें वॉइस ओवर करके आपको बताऊंगा कैसे कैसे यहाँ पे करना है। तो पहले पहले आपको यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने कैसे कैसे इसमें वर्क करवाया है, यहाँ पे कैसे कैसे ये आ रहा है वो सब आपको देखना होगा। यहाँ पे शुरुआत में यहाँ से कर रहा हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे जो जो रॉन्ग प्रोडक्ट है उसको डिलीट करना होगा। डिलीट करने के लिए दोस्तों कुछ मैंने इस पर टैप करना है, फिर यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन बन जाएगा, वहाँ से टैप करके आप आसानी से डिलीट कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बंदा यहाँ तक आ रहा है, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे कुछ बोलेगा, तो यहाँ तक मेरा सही है। फिर उसके बाद का मेरा जो रॉन्ग प्रोडक्ट है मैं उसको डिलीट कर दे रहा हूँ। करने के बाद फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ से इसका पिताजी अब इससे कुछ बात कर रहा है, मतलब इससे कुछ गुस्सा कर रहा है, ठीक है। तो मैं वो भी यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक।
अब देखिए दोस्तों क्या है, अब ये पूरा का पूरा यहाँ पे बन चुका है। अब मैं आपके सामने यहाँ पे वॉइस ओवर करके बताऊंगा कि भाई ये कार्टून कैसा बना हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक तो चल के इसका यहाँ पे लड़का मान लीजिए आ रहा है, यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे चल के आ रहा है। अब आने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे इसको कुछ बोलेगा, ठीक है, यहाँ तक आ गया है। अब आने के बाद देखिए दोस्तों ये कुछ यहाँ पे बोलेगा इनको। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे लड़का यहाँ पे पहले अपने पिताजी के पास चलते चलते आ रहा है, ठीक है। अब आ के यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे यहाँ तक आया, फिर ये क्या कर रहा है, जैसे यहाँ पे इनसे बात कर रहा है, ठीक है। अब बात कर रहा है, अभी अभी ये क्या बोल रहा है, अब यहाँ तक ये बात है, फिर उसका पिता बोलेगा। तो जहाँ से बोलना स्टार्ट कर रहा है वहाँ से आपको वॉइस ओवर करना है। जस्ट आपको वॉइस ओवर करने के लिए इस वीडियो पे यहाँ पे कुछ इस प्रकार से टैप करना होगा। टैप करने के बाद सबसे नीचे साइड देखिए दोस्तों एक पेंसिल का आइकन दिया, पेंसिल वाला आइकन पे सिंपली से टैप कर देना होगा। टैप करने के बाद देखिए दोस्तों एक ऑडियो टूल का ऑप्शन दिया, ऑडियो टूल ऑप्शन पे टैप करना है। फिर यहाँ पे वॉइस ओवर का ऑप्शन देगा, जस्ट उसी वॉइस ओवर पे टैप करना है। फिर बोलना है, जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूँ यहाँ पे कुछ इनको बोलूंगा, यहाँ पे मैं आपके सामने ही बोलूंगा, ठीक है। जस्ट मैं आपके सामने ही बोलूंगा तो आपको बेहतर तरीके समझ में आएगा, ठीक है। जस्ट आपको रिकॉर्ड पे टैप करना है, फिर ओके टैप करने के बाद मैं बोल रहा हूँ, पिताश्री कल मेरे स्कूल में फीस जमा करना है, प्लीज पिताश्री मेरी बात सुनिए, आप दिन भर कॉल पे क्यों लगे रहते हैं, पिताश्री प्लीज मेरी बात को सुनिए। तो दोस्तों जस्ट ये मेरा एक कोशिश था, ठीक है, मैं आपके सामने जस्ट ये एक बात बोला हूँ, ठीक है। अभी यार मतलब कि अभी जस्ट बिना स्क्रिप्ट का बोला हूँ, तो जस्ट यार कुछ गलती हुआ तो प्लीज मुझे माफ करना, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आप इसको सुना रहा हूँ कि मैंने कैसे इसमें, तो अब दोस्तों आप इसको सुनिए जस्ट मैंने क्या बोला है यहाँ पे, देखिए, ठीक है। तो जस्ट मैंने ये बोला है, लेकिन आगे आपको क्या क्या बोलवाना है वो सब आप स्क्रिप्टिंग में जो लिखे रहेंगे वो कर देना है। अब पिताजी इसका जो बोलेगा, पिताश्री वाला यहाँ पे जस्ट वही काम करना है, फिर यहाँ पे वीडियो पे टाइप करना है, फिर यहाँ पेंसिल पे टाइप करना है, फिर आईडी टूल पे टाइप करना है, फिर यहाँ पे वॉइस ओवर पे टाइप करना है, फिर यहाँ प्लस वाले टेक्स्ट के, क्या बात है बेटा क्यों परेशान कर रहे हो, आपको पता है ना कि मैं पुलिस वाला हूँ तो मुझे कितना ज़्यादा काम रहता है, ठीक है। तो मैंने ये भी बोल दिया। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको ये भी बोलवा देना है, ठीक है। जैसे मतलब आप जो भी वर्क कर रहे हैं आप उस पर वर्क कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये भी मेरी वॉइस यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुकी थी, मैं ये भी यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये जो लड़का भी बोल रहा है, लड़का के लिए आप ही बोलेंगे और पिता के लिए आप ही बोलेंगे, तो आपको उसका वॉइस चेंज करना रहेगा। तो वॉइस चेंज करेंगे दोस्तों, जैसे इस पर टैप करना है, टैप करना है, फिर पेंसिल पर टैप करना है, फिर यहाँ पे आईडी टूल ऑप्शन पे आना है, फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे एक वॉइस चेंजर का ऑप्शन दिया रहेगा। वॉइस चेंजर पे आने के बाद देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे आपको चाइल्ड वाला करना है, मतलब बच्चा वाला, यहाँ पे बच्चा बोलेगा। आप देखिए दोस्तों इसमें एक बच्चा बोलेगा, ठीक है। अभी आप देखेंगे, आप यहाँ पे देखें, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल दिया, अब यहाँ पे इसका यहाँ पे पिता भी बोल दिया, यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे इसका पिता भी बोल रहा है, क्या बात है बेटा, ठीक है। मतलब दोस्तों यहाँ पे बच्चा, यहाँ पे बच्चे की तरह आवाज रहेगा इसका, ठीक है। तो मतलब इस प्रकार से दोस्तों आप इसके पिता का कैरेक्टर बना सकते हैं, इसके यहाँ पे बच्चे का कैरेक्टर बना सकते हैं, ठीक है। और भी इसमें कैरेक्टर यूज करना है दोस्तों, मैंने पैसे बताया कैसे कैसे कैरेक्टर यूज करना है। तो यहाँ तक दोस्तों मान लीजिए एडिटिंग कम्प्लीट हो गई मेरी। तो जस्ट यहाँ पे देखिए दोस्तों ऊपर एक यहाँ पे प्रोड्यूस का ऑप्शन दिया, उस वाले ऑप्शन पे सिंपली से आपको टैप करना है। उसी वाले ऑप्शन पे टैप करने के बाद यहाँ पे टैप करना है, फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों आप यहाँ पे प्रोड्यूस पे टैप करेंगे तो आपकी वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। तो दोस्तों जैसे आपकी वीडियो आपकी गैलरी में सेव होगी उसको आप दोस्तों तुरंत जाकर यूट्यूब पे अपलोड कीजिए, आप फेसबुक पे अपलोड करना चाहते हो तो फेसबुक पे अपलोड कीजिए। और जैसे दोस्तों आप अपलोड करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा, मतलब आपकी वीडियोस पे अच्छे खासे व्यूज देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट्स बचा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है अगर अपने प्रॉब्लम को लेकर, तो दोस्तों नीचे मेरा कमेंट बॉक्स खाली पड़ा हुआ है, उसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ज़्यादा ही बड़ा प्रॉब्लम है यार, मतलब अगर आपको उस एप्लीकेशन में जाए जैसे एडिटिंग के समय कोई प्रॉब्लम चल रही है, या फिर उस कार्टून बनाने वाले एप्लीकेशन में अगर आपको कोई एनिमेशन मतलब चूज नहीं कर पा रहे हैं, कोई करेक्टर नहीं चूज कर पा रहे हैं, या फिर उसको मतलब टहरा घुमा नहीं पा रहे हैं, तो आप क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाइए दोस्तों, मुझे फॉलो कीजिए, वहाँ पे अपने कमेंट्स को रखिए, मैं जैसे भी दोस्तों मैं फ्री हूँगा आपका रिप्लाई करूँगा और देखूंगा दोस्तों अगर आपको ज़्यादा ही बड़ा प्रॉब्लम है तो मैं आपके साथ मतलब डायरेक्ट कॉल पर भी बात कर लूँगा। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि दोस्तों आपका भाई ऐसे ही इंपॉर्टेंट चैनल आइडियाज लेकर आ रहा है। तो चलिए दोस्तों भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, चलिए दोस्तों।